वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है ना, एसी जनरेटर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। लेफ्ट हैंड रूल किस चीज का कब इस्तेमाल किया जाता है, राइट हैंड रूल कब इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे लेंस लॉ है ना, तो लेंस लॉ क्या बताता है उसके बारे में जानते हैं। इंड्यूस करंट जो होता है वो ऐसे डायरेक्शन में फ्लो करता है हमेशा जिसमें वो हमेशा अपोज करता है जिस कारण की वजह से वो प्रोड्यूस हुआ है ना। जैसे कि आपका यहाँ पे देख रहे हैं, कॉइल रिपल्स द मैग्नेट है ना, और कॉइल अट्रैक्ट द मैग्नेट। अगर करंट आपका इस साइड से जा रहा है ना, तो मैग्नेट के तौर पे ये यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे साउथ है तो नॉर्थ पोल क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरे को वो रिपेल करेगा। और वही अगर करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, तो उस समय क्या करेगा, ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा। तो जिस कारण की वजह से ये मैग्नेट बन रहा है वो खुद उसको अपोज करता है, लेंस लॉ है ना। उसके बारे में है इंड्यूस बी फील्ड। अगर यहाँ पे बी फील्ड है अपोज करेगा है ना मैग्नेटिक फ्लक्स को, अगर लूप के हम सामने लेके जाते हैं वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगा, वही उससे दूर हम लेके जाएंगे तो फ्लक्स आपका डिक्रीज करेगा। अगर आप देख लीजिए इस फिगर में, जैसे दोनों में बताया गया है ये मैग्नेट है, इसको हम जैसे ही सामने ला रहे हैं, लूप के सामने ला रहे हैं, फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज करेगा है ना। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ इंक्रीज करेगा तो फील्ड क्या होगा, वो इसको अपोज करेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका बढ़ रहा है उसको अपोज करेगा। और यही सेम केस में मैग्नेट को हम दूर लेके जा रहे हैं, तो मैग्नेट को दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा तो वो जो फील्ड है वो भी उसको रिप्लेस करेगा डिक्रीज के साथ। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लेंस लॉ। यहाँ पे जैसे बताया गया है, जब एक चुंबक कंडक्टिंग रॉड रिंग है ना, ये कंडक्टिंग रिंग है, एक चुंबक जब कंडक्टिंग रिंग के पास जाता है, उसके पास जाता है, तो इंड्यूस जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, करंट फ्लो होता है ना। करंट फ्लो होता है तो करंट अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, यहाँ पे भी, ये दोनों क्या है, इस रिंग का मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे करंट अगर फ्लो कर रहा है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के सामने आने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा है ना। ये जितना सामने आएगा उतना ही ये इस इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो इसको अपोज करेगा, और जैसे ही ये दूर जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपका उस जगह को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, एक कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है, वो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा जाए है ना, तो कंडक्टर क्या करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक उस पर फोर्स लगता है जो परपेंडिकुलर होता है किसके किसके, फील्ड के भी और जिस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है ये भी। ये इन्वेंट किया गया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जॉन एम्ब्रूस फ्लेमिंग के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये थ्रस्ट है, ये मोशन है, ये फोर्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन से आ रहा है तो फोर्स हमारा इस डायरेक्शन पे अप्लाई होगा है ना। किसी को भी ऐसे करके अगर हम दिखाते हैं है ना, तो ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री में है, ये ऐसे करके, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो ये क्या रहेगा, करंट का डायरेक्शन है, तो फोर्स आपका इस साइड में लगेगा। नेक्स्ट हमारा है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को है बढ़िया से एक्सप्लेन कर। अगर हमें करंट का डायरेक्शन पता हो और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता हो तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमको पता है और करंट भी हमको पता है, तो हमको अंगूठा से ये इस चीज से हमको पता चल जाएगा कि फोर्स हमें किस डायरेक्शन में लगेगा या किस डायरेक्शन में मिलेगा है ना। हम जिस डायरेक्शन में शो करेगा वो उस वही, अगर हमको करंट का डायरेक्शन को हम उल्टा कर देंगे है ना, करंट को डायरेक्शन को उल्टा कर दिए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो आपका सिंपल वो ये चीज रिवर्स कर जाएगा
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किसका डायरेक्शन देता है, मैग्नेटिक फोर्स का एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, है ना, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देता है कंडक्टर पे। पर वही फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, मतलब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन को बताता है, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट को किस करंट किस दिशा में करंट इंड्यूस होगा उसके डायरेक्शन को बताता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, है ना। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब एक मूविंग कंडक्टर, एक कंडक्टर है जो मूव कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाए तो एक करंट इंड्यूस होता है, उसमें एक करंट इंड्यूस होता है। तो इफ कंडक्टर अगर उसके फोर्सफुली अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे रखा जाए तो वहां पे एक रिलेशन बनेगा अप्लाइड फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड में और करंट में। इसी रिलेशन को तीन डायरेक्शन में बताया गया है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के थ्रू, है ना। ये मोशन ऑफ कंडक्टर है ना, वो थंब के द्वारा रिप्रेजेंट होगा, फोर फिंगर रहेगा वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा और इंड्यूस फिंगर है वो मिडिल फिंगर बताएगा। जैसे इस तरह का इस तरीके से रखते हैं हम, है ना। ये थंब का ये हो गया राइट हैंड रूल का, तो ये थंब हो गया तो कंडक्टर का मोशन बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और ये आपका इंड्यूस करंट किस दिशा में करंट इंड्यूस हो रहा उसको बताएगा। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है ना, तो अंगूठा आपका किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का क्या मोशन है उसको डिपेंड उसको बता रहा है। वही एल फिंगर आपको किसको ये कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को, नॉर्थ से साउथ पोल है ना, नॉर्थ से साउथ पोल आपका ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये उंगली बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, है ना। ये आपका जो सेकेंड फिंगर है वो दिखाएगा कि इंड्यूस जो जनरेटेड करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, है ना। तो जनरेटेड जो करंट होता है वो उसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, कन्वेंशनल करंट जिसे होता है उस टाइप से उसका पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल में क्या फर्क है। दोनों जैसे कि दिखाया गया है दोनों जॉन एम्ब्रूस फ्लेमिंग ने ही इन्वेंट किया था, उन्होंने ही खोज किया था, है ना। लेफ्ट हैंड रूल किसके लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के लिए, और राइट हैंड रूल किसके लिए इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए, है ना। इसका पर्पज है, पर्पज इस रूल का पर्पज है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, डायरेक्शन किस मोशन में इलेक्ट्रिक मोटर का किस डायरेक्शन में मोशन होगा वो बताता है, और इस रूल का पर्पज है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, एक कंडक्टर में जब कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखा जाएगा तो इंड्यूस करंट का क्या डायरेक्शन है उसको बताता है। सेम इसमें थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, कंडक्टर में जो फोर्स लग रहा है उसको, है ना, और इसमें थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोशन ऑफ कंडक्टर को। इंडेक्स फिंगर आपका ये इंडेक्स फिंगर हो गया, है ना, ये थंब हो गया, ये इंडेक्स फिंगर हो गया, ये मिडिल फिंगर हो गया। इंडेक्स फिंगर इसमें क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को, इसमें भी इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है। इसमें मिडिल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, और इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं एसी जनरेटर। आज ये चीज है एसी जनरेटर का क्या है, वो अल्टरनेटर के तौर पे भी काम आता है ना। अल्टरनेटर क्या करता है, बिजली उत्पन्न करता है ना। अल्टरनेटर में रोटर को आप घुमाइएगा और स्टेटर आपका बिजली उत्पन्न करेगा। यह एक ऐसा मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जो जनरेटेड होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है वो किस फॉर्म में रहता है, अल्टरनेटिंग करंट, मतलब साइन फॉर्म में, साइन वेव फॉर्म में रहता है, मतलब वो एसी करंट जनरेट करता है। अगर हमको वही एसी करंट को डीसी करंट में बदलना है तो वो आप डायोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड होता है वो स्टीम टर्बाइन से हो या गैस टर्बाइन से हो या कंबसन इंजन के थ्रू उसके रोटर को घुमाया जाता है, और रोटर घूमेगा तो स्टेटर में फिर आपका करंट उत्पन्न होगा, उसी करंट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका फील्ड वाइंडिंग है, परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल किया गया है, परमानेंट मैग्नेट है ना, ये आर्मेचर है ना, और डायरेक्शन बताया गया है कि आर्मेचर कॉइल आपका किस तरीके से घूमेगा, है ना। जैसे कि ये एक कॉइल है, आप कोई भी मोटर खोलते हैं, जैसे हम आपको पहले भी बताए कि कोई भी मोटर खोलते हैं उसमें जितना पतला पतला वायर होता है वो एक 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 करके वो आर्मेचर है, मतलब एक वायर एक आर्मेचर कॉइल के तौर पे काम करेगा, दूसरा वायर दूसरा आर्मेचर कॉइल के तौर पे काम करेगा, तीसरा वायर इस टाइप का बंडल पूरा वो बना हुआ रहता है, तो वो पूरा का पूरा आर्मेचर कॉइल का बाइंडिंग होता है ना। ये फील्ड वाइंडिंग है परमानेंट मैग्नेट का, है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर मैग्नेट को मूव करेगा। ये हो गया मैग्नेटिक लाइन, है ना, एक्सटर्नल लोड या सर्किट है, ब्रश है, और ये स्लिप रिंग है। चलिए नेक्स्ट हमारा है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक मशीन है। डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसका मेन फंक्शन है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ, है ना, जब कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में जाता है एक ईएमएफ जनरेट होता है, वही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल है जो फैराडेज लॉ का वो आपको बताता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में हम लोग देख रहे हैं, ये ब्रश है, ये आर्मेचर कॉइल है, ये कम्यूटेटर है, ये परमानेंट मैग्नेट या स्टेटर है ना, और रोटर और शाफ्ट है, ये फ्लो ऑफ करंट है, करंट का किस दिशा में फ्लो कर रहा है उसको बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्क बताना है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या फर्क होता है। एसी जनरेटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वही डीसी जनरेटर का क्या काम है, जो मैकेनिकल एनर्जी को डीसी एनर्जी में बदलता है, डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ना। और एसी जनरेटर का क्या है कि हमेशा इलेक्ट्रिकल करंट जो रहता है वो हमेशा पीरियोडिकली हमेशा अपने डायरेक्शन को चेंज करता है, रिवर्स करता है, और वही डीसी करंट क्या होता है, डीसी करंट का डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सिंगल सिग्नल एक एक स्ट्रेट लाइन में होता है। एसी जनरेटर क्या होता है, एसी जनरेटर के पास कम्यूटेटर नहीं होता है, पर डीसी जनरेटर है कम्यूटेटर, उसके पास कम्यूटेटर होता है जो जो करता है कि जो काम जिसका काम है कि करंट एक ही दिशा में फ्लो हो। नेक्स्ट है हमारा जो एसी जनरेटर होता है वो स्मॉल पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, जो छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जो छोटा मोटा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसमें एसी जनरेटर का इस्तेमाल होता है, और वही जहां लार्ज मोटर है उस सबमें डीसी जनरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एसी जनरेटर को बहुत कम मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, पर डीसी जनरेटर को हमेशा फ्रीक्वेंट कुछ ना कुछ कुछ मेंटेनेंस जरूरत पड़ता रहता है। नेक्स्ट हमारा फिगर है ना, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों का फिगर में हम लोग देख के फर्क पता करेंगे कि दोनों का फर्क क्या है। जैसे ये दोनों मैग्नेट है, इसमें भी आर्मेचर कॉइल है, ये कार्बन ब्रश, इसमें जो स्लिप रिंग रहता है वो कम्यूटेटर के साथ रहता है, इसमें स्लिप रिंग अलग अलग दो कार्बन स्लिप रिंग लगा हुआ रहता है, इसमें क्या रहता है सिंगल स्लिप रिंग और कम्यूटेटर के साथ लगा हुआ रहता है, ये आपका लोड है। नेक्स्ट हमारा डीसी जनरेटर का पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स लगा हुआ रहता है वो सर, ये क्या हो गया, ये आर्मेचर कॉइल है ना, जिसपे वो रोटेट करेगा, ये मैग्नेट है ना, मैग्नेट का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ रहेगा, और ये रोटेशन है आर्मेचर का, रोटेशन किस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ये कम्यूटेटर है ना, एक्सटर्नल सर्किट है, सर्किट लोड है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड से ये है ना, और करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में उसका दिखाया गया है पीला के थ्रू से, है ना, इस यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आर्मेचर कॉइल के थ्रू होते हुए फिर वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का लाइन है और ये परमानेंट मैग्नेट का है। नेक्स्ट है हमारा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या है, दो स्लिप रिंग लगा हुआ है ना, और इसमें कम्यूटेटर का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये ग्रेफाइट ब्रश है ना, और इसमें दो मैग्नेट के बीच में ये आर्मेचर कॉइल रोटेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन दिखा रहा है कॉइल किधर पे रोटेट कर रहा है। इस तरीके से हम लोग एसी जनरेटर के बारे में सीखे है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ इस्तेमाल होता है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल कहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके बारे में सीखे।
चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ दूसरा नया चीज सीखेंगे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।